हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला में 3 स्टेप का पूरा होना जरूरी है। 1 ओवुलेशन, 2 फर्टिलाइजेशन और 3 इम्प्लांटेशन। सबसे पहले अंडाशय से अंडे फूटकर बाहर निकलते हैं और इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है। उसके बाद इस अंडे का शुक्राणु से मिलान होता है और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन क्रिया कहा जाता है। फिर ये फर्टिलाइज अंडा यूटराइन लाइनिंग से आकर चिपकता है और इस चिपकने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण प्रक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है इम्प्लांटेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप महिला के गर्भाशय में नहीं होता है तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अगर आपका यूटराइन लाइनिंग यानी कि अगर आपके गर्भाशय की दीवार कमज़ोर होगी तो ये इम्प्लांटेशन प्रक्रिया पूरा नहीं होगा और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो अगर आपके बच्चेदानी की दीवार कमज़ोर होगी तो सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। यानी कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए बच्चेदानी की दीवार मोटी और स्वस्थ होनी ज़रूरी है। इनफैक्ट डॉक्टर IUI या IVF करने से पहले आपके यूटराइन लाइनिंग को भी देखती है। अगर आपका यूटराइन लाइनिंग काफ़ी पतली होती है और कमज़ोर होती है तो उसमें आपका IUI या IVF सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सो आज की इस वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप अपने बच्चेदानी को जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे उसे स्वस्थ बना सकते हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखते रहें। सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चेदानी कमज़ोर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। 1, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी आ जाना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चेदानी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने में मदद करती है। अगर इन दोनों हार्मोन में कमी आ जाती है तो आपका बच्चेदानी कमज़ोर हो जाता है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। 2, बच्चेदानी में ब्लड फ्लो कम पहुंचना। अगर आपके बच्चेदानी में ब्लड फ्लो कम पहुंचेगा तो इससे आपका यूटराइन लाइनिंग कमज़ोर हो जाएगा और पतला भी हो जाएगा। इसके अलावा और भी बच्चेदानी कमज़ोर होने के कारण हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रोसिस या इन्फेक्शन के कारण भी कभी कभी आपका बच्चेदानी कमज़ोर हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि बच्चेदानी कमज़ोर होने के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, कैसे आप पहचानेंगी कि आपका यूट्रस वीक हो गया है। 1, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अगर आप कई साल से कोशिश कर रही हैं, सारा रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो आपका यूट्रस वीक हो सकता है। 2, अगर आपकी प्रेगनेंसी 1, 2 या 3 महीने तक ही रुकती है और आपका गर्भपात हो जाता है तो आपका यूट्रस वीक हो सकता है। 3, अगर आपके पीरियड में ब्लड फ्लो बहुत ही कम होता है तो आपका यूट्रस वीक हो सकता है, आपका बच्चेदानी कमज़ोर हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव घरेलू उपाय बताता हूँ जिससे आपका बच्चेदानी जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाएगा, साथ ही आपके बच्चेदानी की कमज़ोरी ठीक हो जाएगी और आपका बच्चेदानी स्ट्रांग भी हो जाएगा। 1, सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग पर मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखी है जिसे मैंने आपको बताया था कि सीड साइक्लिंग क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप सीड साइक्लिंग से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो यहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। सीड साइक्लिंग एक ऐसी नेचुरोपैथी मेथड है जो महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में और बच्चेदानी को जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार करने में मदद करती है। इसमें आपको 4 अलग अलग तरह के सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। 1, सेसम सीड। 2, फ्लैक्स सीड। 3, पम्पकिन सीड और 4, सनफ्लावर सीड। तो सबसे पहले आपको इन 4 सीड को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मार्केट से परचेस कर लेना है। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन 4 सीड्स के परचेस लिंक दे रखे हैं, आप चाहें तो इसे वहां से भी डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसे खरीदने के बाद कैसे इस्तेमाल करना है चलिए मैं आपको अब वो बताता हूँ। जिस भी डेट में आपकी पीरियड आती है, पीरियड के पहले दिन से 15वें दिन तक हर रोज सुबह नाश्ते में 1 चम्मच फ्लैक्स सीड और 1 चम्मच पम्पकिन सीड आपको खाना है। ठीक इसी तरह से 15वें दिन से 30वें दिन तक हर रोज़ आपको सुबह नाश्ते में 1 चम्मच सेसम सीड और 1 चम्मच सनफ्लावर सीड को आपको खाना है। इसे आपको लगातार 2 से 3 महीने तक खाना है। अगर आप इसे लगातार 2 से 3 महीने तक खाते हैं तो इससे आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है और आपका बच्चेदानी भी स्ट्रांग हो जाता है और आप जल्दी कंसीव कर लेती हैं। 2, फर्टिलिटी मसाज थेरेपी।
फर्टिलिटी मसाज थेरेपी पर भी मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसे मैंने आपको बताया है कि फर्टिलिटी मसाज थेरेपी क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप फर्टिलिटी मसाज थेरेपी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज थेरेपी में दरअसल आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना होता है, कैस्टर ऑयल जिसे हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको कैस्टर ऑयल परचेस कर लेना है। कैस्टर ऑयल ऑर्गेनिक होना चाहिए। आपको इस कैस्टर ऑयल से अपने नाभि के नीचे दाएं और बाएं तरफ हर रोज सुबह 10 मिनट तक मसाज करना है। अगर आप इसे 1 से 2 महीने तक लगातार मसाज करते हैं तो इससे आपका यूट्रस स्ट्रांग हो जाता है और आपके बच्चेदानी जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसे आपको लगातार 2 महीने तक जरूर करना है। इन 2 घरेलू उपाय को करने के साथ साथ आपको कुछ योगा और एक्सरसाइजेस भी हर रोज जरूर करनी है, क्योंकि कुछ ऐसे योगा और एक्सरसाइजेस हैं जो कि खासकर आपके इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने में और बच्चेदानी को जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार करने में मदद करती है। तो हर रोज आपको कम से कम 30 मिनट सुबह सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, रनिंग, जंपिंग, तितली आसन और कीगल एक्सरसाइजेस जैसे योगा और एक्सरसाइजेस आपको हर रोज जरूर करनी है। सो अगर आप मेरे बताए हुए इन 3 टिप्स को लगातार फॉलो करते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपका बच्चेदानी जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके बच्चेदानी की कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।